ऋषभ के सामने आएगी सोनाक्षी की असली सच्चाई और सोनाक्षी को चाल चलते हुए देख लेगी करीना बुआ और शैलिन पृथ्वी की आएगी सच्चाई सबके सामने और होगा एक बड़े रहस्य का खुलासा एंड पीहू पर आएगा बड़ा खतरा और सोनाक्षी करण प्रीता को अलग करने के लिए पीहू के जरिए चलेगी एक बड़ी चाल। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में सबसे बड़े रास का खुलासा होगा कि ऋषभ के सामने सोनाक्षी की असली सच्चाई और उसका असली चेहरा सामने तब आएगा जब ऋषभ की मुलाकात सोनाक्षी के साथ होगी। तब सोनाक्षी करण के बड़े भाई ऋषभ को देखकर हिल जाएगी और ऋषभ जब सोनाक्षी के साथ बात करेगा एंड सोनाक्षी से कुछ सवाल करेगा तब सोनाक्षी ऋषभ से बात करने से हिचकिचाएगी एंड सवाल का जवाब भी ठीक से नहीं दे पाएगी, जिस वजह से ऋषभ को एहसास होगा कि सोनाक्षी कुछ न कुछ तो छुपा रही है और यहाँ पर इस घर में वो किसी एक मकसद से आई है। लेकिन बड़े राज का खुलासा होगा कि करीना बुआ के सामने सोनाक्षी की असली सच्चाई और सोनाक्षी का असली चेहरा तब आएगा जब सोनाक्षी गणेश उत्सव का फायदा उठाकर लूथरा हाउस में अपनी परमानेंट जगह बनाने के लिए और करण को हासिल करने के लिए और प्रीता को करण से दूर करने के लिए एक सबसे बड़ी चाल चलेगी, जहाँ पर कमरे में मिठाई के डिब्बे में ड्रग्स को लेने आए हुए गुंडे जब मिठाई के डब्बे को ले जा रहे होंगे तभी वहाँ पीहू ने गुंडों को मिठाई के डिब्बे चुराते हुए देख लेने की वजह से सभी को ये बात बताने के लिए जब पीहू नीचे जा ही रही होगी और गुंडे पीहू को पकड़ने के लिए जब चाकू लेकर पीहू के पीछे पीछे जाएगा तभी कमरे में लॉबी में कोई आ जाएगा एंड वो गुंडा पीहू को पकड़ नहीं पाएगा एंड पीहू नीचे चली जाएगी और वो गुंडा पीहू को पकड़ने के लिए पीछे पीछे नीचे जाएगा, जहाँ पर पार्टी के बीचों बीच सभी गुंडों के सामने वो एक गुंडा किसी को पता ना चले ऐसे पीहू को किडनैप कर लेगा जिसे देख लेगी सोनाक्षी एंड इसी का फायदा उठाकर पीहू को किसी ने किडनैप कर लिया है ये सोनाक्षी किसी को नहीं बताएगी। लेकिन जब वो गुंडे पीहू को ले जाने की कोशिश करेंगे तभी सोनाक्षी करण प्रीता एंड पूरे लूथरा परिवार से पूछेगी कि पीहू कहाँ गई, तब सभी लोग पीहू को ढूंढेंगे लेकिन पीहू ना मिलने की वजह से सोनाक्षी कहेगी कि देखो वो बाहर गुंडे पीहू को ले जा रहे हैं। इसी वजह से सोनाक्षी इसी का फायदा उठाकर गुंडों से पीहू को बचाने के लिए गुंडे के पास दौड़ती हुई जाएगी एंड पीहू को हासिल करने के लिए गुंडे से लड़ाई झगड़ा करेगी, जिस वजह से सभी को एहसास होगा कि सोनाक्षी पीहू से कितना ज्यादा प्यार करती है और यही चालाकी से सोनाक्षी सभी के मन में लूथरा हाउस में अपनी जगह बनाने के लिए ये एहसास करवाएगी एंड गुंडों से पीहू की जान बच जाने के बाद प्रीता एक बड़ा फैसला लेगी, या तो कहे तो एक गलती करेगी और सोनाक्षी को कहेगी कि तुम पीहू के लिए यहाँ पर इस घर में रुक जाओ जब तक कि तुम्हारे पापा तुम्हें अपना नहीं लेते, जिसे सुनकर मन ही मन सोनाक्षी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन शैलिन को सोनाक्षी की सारी चाल समझ में आ जाएगी और शैलिन को एहसास होगा कि सोनाक्षी इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए बड़ी स्मार्टली तरीके से चाले चल रही है। लेकिन आगे जाके सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि जब शैलिन चुपके से सोनाक्षी के असली मकसद का पता लगाने के लिए सोनाक्षी के कमरे में जाएगी तभी वहाँ सोनाक्षी को उसके बाप के साथ बात करते हुए सुन लेगी एंड शैलिन को सोनाक्षी का सारा मकसद और सारी सच्चाई पता चल जाएगी और पता चल जाएगा कि सोनाक्षी करण को हासिल करना चाहती है, जिस वजह से शैलिन सोनाक्षी का पर्दाफाश करने की जगह सोनाक्षी से प्रीता को घर से बाहर निकालने के लिए हाथ मिला लेगी एंड दोनों एक हो जाएंगे एंड शैलिन और सोनाक्षी करण प्रीता को अलग करने के लिए सबसे बड़ी दोनों मिलकर चाले चलेंगे जिससे हो जाएंगे करण प्रीता अलग और आ जाएगी करण प्रीता के बीच दूरियां। और अगर करण प्रीता अलग हो गए तो इसके बारे में आपकी राय क्या है ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।